हॉकी टीम के कोच पीयूष दुबे का हाथरस के गांव रसमई में जोरदार स्वागत किया गया। हॉकी टीम के कोच पीयूष दुबे ने ओलंपिक में 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीताया। जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी जीतने वाले खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं और भारतीय टीम के कोच दुबे को दी बधाई। इसके बाद पीयूष दुबे अपने पैतृक गांव आज पहुंचे हैं, जिसके बाद गांव के लोगों ने बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया। हॉकी टीम के कोच ने कहा कि अब आने वाले मेडल का रंग बदलेगा। गांव पहुंचने के बाद पीयूष दुबे ने गांव के कॉर्नर पर अपनी देवी देवताओं को सर झुकाकर प्रणाम किया। स्वागत समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। पीयूष दुबे के गांव पहुंचने से गांव के लोगों में बहुत खुशी दिखाई दी। खिलाड़ियों से कहा था कि वी आर नॉट गोइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पार्टिसिपेशन, वी आर गोइंग फॉर द मेंटालिटी टू विन अ मेडल एंड द पोडियम फिनिश। सो दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बिफोर टीम एंड द प्रेजेंट टीम। हाथरस क्षेत्रवासियों के लिए लगता है यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ यहाँ के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, बिल्कुल माननीय योगी जी का, जब मैं टोक्यो में था जापान में, तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास, और जब मैंने मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बधाई भी दी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं संपूर्ण टीम को आमंत्रित करूँगा लखनऊ, और उन्होंने बुलाया भी, पूरा देश उसका साक्षी है। तो मैं कहीं ना कहीं उनसे अवश्य ये बात भी कहूँगा, और उन्होंने स्वयं भी न केवल जिले स्तर पर अपितु ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर खेल सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया है। तो अगला ड्रीम सर आपका क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट, एक बार दोबारा प्रश्न करो, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? लेकिन नेक्स्ट टारगेट तो मेरा यही रहेगा कि हम इस ओलंपिक का कलर बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।